गोरखपुर के प्रतिष्ठित शिक्षाविद और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सदस्य व हिंदी दैनिक अखबार के प्रधान संपादक डॉक्टर तेज प्रताप शाही के देहांत के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उनके घर पहुंचकर परिवारजनों से मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछा, साथ ही उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, टीपी शाही को कोरोना संक्रमित होने पर पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। टीपी शाही के निधन से शिक्षा जगत में काफी क्षति हुई है। सीएम से अपने आवास पर मुलाकात के बाद स्वर्गीय तेज प्रताप शाही के बड़े पुत्र अनन्य प्रताप शाही ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके पिता के निधन पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि डॉक्टर शाही का निधन शिक्षा जगत और समाज की अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने उनके पुत्र अनन्य प्रताप शाही को शोक व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि डॉक्टर तेज प्रताप शाही बच्चा बाबू के आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ। डॉक्टर तेज प्रताप शाही सुप्रसिद्ध शिक्षाविद एवं प्रखर समाजसेवी थे। श्री गोरक्षपीठ के अनन्य भक्त और मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ के परम भक्त थे। डॉक्टर तेज प्रताप शाही का निधन शिक्षा जगत और समाज की अपूर्णीय क्षति है। महायोगी गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करें, उनके शोक संतप्त परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। साथ ही अनंत प्रताप शाही ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें शादी के पूर्व में बधाई स्वरूप अपना आशीर्वाद दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शिक्षाविद एवं समाजसेवी स्वर्गीय टीपी शाही के बड़े पुत्र अनंत प्रताप शाही ने कहा, अनंत प्रताप शाही परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज का मेरे घर पे आगमन हुआ। मेरे शादी के उपलक्ष में वो हमारे घर पे आए अपना आशीर्वाद देने। हमारे पिता के देहांत के बाद उनकी आज पहली मेरा हमारे घर पर उनका दौरा था। हमारे घर आए, उनके प्रति उन्होंने बहुत शोक संवेदनाएँ व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनका ना रहना उनके लिए व्यक्तिगत रूप में उनके लिए एक क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, और शिक्षा जगत के लिए भी ये अपूर्णीय क्षति है, ये कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। और शादी के लिए उन्होंने शुभकामनाएँ दी। हमारे परिवार के हर सदस्य ने उन्हें मिलने की काम किया। हमारे परिवार के सब सदस्यों से उन्होंने कुशलक्षेम पूछा। हम उनके यहाँ पे आगमन से बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद।